बच्चों, आपकी पसंदीदा YouTube चैनल रास्तिब धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो मैं स्पेशली क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। क्लास 10 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका तीसरा भाग है ये वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में, रीस्टेट के बारे में। फिर हम बात करेंगे रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें रेसिस्टिविटी के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is directly proportional to the current or electricity passing through the resistance and directly proportional to the resistance of the circuit. The formula for Ohm's law is V equal to IR. Here V means potential difference, I means current and R means resistance. Okay students, so German भौतिकविद एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में ये नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, या फिर हम लोग कह सकते हैं V इक्वल टू आई आर। तो R को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है, R को इस युक्ति का यानी इस लो का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इसका एक मात्रक जो है वो ओम है। वास्तव में ओम का नियम कोई नियम नहीं है, बल्कि ये ऐसी वस्तुओं के प्रतिरोध को परिभाषित करती है जिनको अब ओमियो प्रतिरोध कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये उन वस्तुओं के उस गुण को रेखांकित करती है जिनका वैशिष्ट एक सरल रेखा होती है। चलिए अभी जानते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। तो रेसिस्टेंस करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले को ही कहा जाता है। इसको R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम है। किसी चालक की चौड़ाई बढ़ने पर रेसिस्टेंस कम होता है और लंबाई बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है। किसी भी चीज़ का रेसिस्टेंस उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की तुलना आम आदमी से करते हैं तो आदमी के चलने की प्रक्रिया को करंट कह सकते हैं, और आदमी को चलने के लिए जिस ताकत या बल की ज़रूरत पड़ती है उसे वोल्टेज कह सकते हैं। आदमी के चलने में जो वस्तुएँ बाधा उत्पन्न करती है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, वायु का प्रतिरोध बल आदि को रेसिस्टेंस कह सकते हैं। जबकि आदमी की संख्या और उनकी चलने की स्पीड से जो कार्य किया जा सकता है उसे वोल्टेज कह सकते हैं। बच्चों चलिए अभी बात करते हैं रीस्टेट के बारे में। तो रीस्टेट जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग प्रतिरोध को अलग करके करंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट रेसिस्टिविटी। Resistivity is the fundamental property of material that resists the flow of electrical current. If you want to know more about that, then we can say that resistivity is always constant. Range of resistivity of metals and alloys is 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 ohm meter. Range of resistivity of non-metals is 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meter. Copper and aluminium used for electrical transmission as they have low resistivity. Okay, alloys used in electrical heating devices as their resistivity is high and they do not burn readily. अभी इसी बात को अगर मैं हिंदी से समझाऊं तो फिर मैं कह सकता हूं कि रेसिस्टिविटी जो है वो हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की सीमा रेसिस्टिविटी में 10 टू द पावर माइनस 8 से लेकर 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर तक होती है। तीसरा,
गैर धातु की प्रतिरोधकता की सीमा रेजिस्टिविटी में होती है 10^12 से 10^17 ओम मीटर। चौथा है तांबे और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनमें प्रतिरोधकता कम होती है। रेजिस्टिविटी में विद्युत ताप उपकरणों में प्रयुक्त मिश्र धातु और उनकी प्रतिरोधकता से अधिक होती है और वे आसानी से नहीं जलते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि हम लोग रेजिस्टिविटी को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टिविटी को जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं रो। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रो इक्वल टू RA/L। यहाँ पे A यानी एरिया, R यानी रेजिस्टेंस और L यानी लेंथ। बच्चों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है ओम। ठीक है, और एरिया का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसे हम एम स्क्वायर भी कहते हैं, और लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर। ठीक है, तो फिर आइए चलते हैं, हम लोग इसे और डिटेल से समझते हैं। तो बच्चों, हमें मालूम है कि रो इक्वल टू RA/L। तो यहाँ पे R का मतलब क्या है? R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम। और ये A क्या है? ये A है एरिया। एरिया का ऐसा यूनिट क्या है? एम स्क्वायर है क्या? हाँ, एम स्क्वायर। और ये L क्या है बच्चों? ये L है लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? लेंथ का ऐसा यूनिट है एम यानी मीटर। सो हम लोग यहाँ पे इसे काट सकते हैं। अगर हम काट दें एम स्क्वायर को एम से, तो फिर एम बचता है। इसका मतलब रो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ओम एम। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी, क्योंकि रो जो है रेसिस्टिविटी को ही डिनोट करती है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी ऐसा यूनिट का, रेसिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जाना ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में और रीस्टेट के बारे में। हमने ये भी जाना कि ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, और बाद में हमने ये भी जाना कि रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जिसको हमने कुछ ही देर पहले किया है। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेशली घर पे बैठ के बनाया है। मैं स्टूडियो नहीं जा पा रहा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलना मना है, तो मैं घर पे बैठ के ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए मेरे पास सारे संसाधन नहीं है जिसके तहत मैं आपको और विस्तार से समझा सकूँ। तो मेरी ये उम्मीद रहेगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी ऐसा पॉइंट हो जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मेरे फेसबुक ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, जिसका जवाब मैं तुरंत दे दूंगा। और अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर या तो फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके उस सवाल का जवाब जो है ठीक तरीके से देने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।